हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विश्वकर्मा एंड यू वाचिंग कर्मा मोटर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं टाटा मोटर्स की नेक्सॉन के बेस वेरिएंट XE और किया मोटर्स के सोनेट के बेस वेरिएंट HTE के बारे में। दोनों कारों को कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सी कार बेहतर है। इंजन पावर से लेकर सेफ्टी फीचर्स तक अंत तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी कार बेहतर है। तो चलिए, आपके बहुमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए काम की बात करते हैं। नंबर वन, इंजन पावर एंड ट्रांसमिशन सिस्टम। तो नेक्सॉन के बेस वेरिएंट XE में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो 118 bhp का पावर एंड 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं किया सोनेट के बेस वेरिएंट HTE में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो 81 bhp का पावर एंड 115 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। नेक्सॉन में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और सोनेट में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। दोनों ही कंपनी की गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है, बट पेट्रोल के मुकाबले डीजल इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का प्राइस ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। नंबर टू, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। तो नेक्सॉन की लंबाई 3993 mm, सोनेट की लंबाई 3995 mm। यहाँ लंबाई के मामले में 2 mm ज़्यादा है सोनेट नेक्सॉन से। वहीं चौड़ाई में नेक्सॉन की चौड़ाई 1811 mm और सोनेट में 1790 mm चौड़ाई के मामले में नेक्सॉन आगे है। 1606 mm हाइट, जो कि सोनेट की हाइट 1642 mm है, यानी हाइट के मामले में सोनेट यहाँ आगे निकल चुकी है। नेक्सॉन का व्हील बेस 1498 mm और सोनेट का व्हील बेस 2500 mm, यानी व्हील बेस के मामले में 2 mm ज़्यादा है सोनेट। नेक्सॉन में 16 इंच का अलॉय व्हील्स ऑफर किया जाता है और सोनेट में 15 इंच का स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो डायमेंशन में अगर आपको चौड़ी चाहिए तो आप नेक्सॉन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि व्हील साइज 1 mm ज़्यादा और अलॉय व्हील्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नंबर थ्री, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर डिज़ाइन। तो दोनों ही कार का एक्सटीरियर लुक काफ़ी खूबसूरत है। नेक्सॉन में प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ 3 aero DRLs, 3 aero सिग्नेचर LED टेल लैम्प्स, फ्लोटिंग रूफ विथ ब्लैक कलर, ORVM विथ टर्न इंडिकेटर, स्क्रैच प्रोटेक्शन एक्सटीरियर, और सोनेट के एक्सटीरियर में किया सिग्नेचर टिगोर नोज ग्रिल, रेडिएटर ग्रिल सिल्वर विथ डायमंड पैटर्न, मोस्कुलर रियर स्किड प्लेट और डेल्टा गार्निश बॉडी कलर। एक्सटीरियर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सोनेट हमें अच्छा लग रहा है। आपको कौन सा बेहतर लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर फोर, अकॉर्डिंग टू इंटीरियर। नेक्सॉन के इंटीरियर में 3 aero थीम इंटीरियर, सेंट्रल कंसोल स्टोरेज, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर, सीटिंग कैपेसिटी 5%, लगेज सहित 5 दरवाजे हैं। वहीं सोनेट के इंटीरियर में सिल्वर फिनिश AC वेंट्स, गार्निक प्रीमियम हेडलाइन इनसाइडर डोर हैंडल, हाइपर सिल्वर मेटालिक पैंट, सीटिंग कैपेसिटी 5% एंड 4 दरवाजे अवेलेबल हैं। नंबर फाइव, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस एंड प्राइस। नेक्सॉन जिसके बेस वेरिएंट की कीमत दिल्ली एक शोरूम के अनुसार 7.0 lakh से टॉप वेरिएंट पेट्रोल में 11.35 lakh और डीजल में 8.45 lakh, टॉप वेरिएंट 12.70 lakh तक। दोनों ही इंजन ऑप्शन में आपको टॉप वेरिएंट के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया जाता है। वहीं सोनेट के बेस वेरिएंट में पेट्रोल में 6.71 lakh एक दिल्ली शोरूम प्राइस, पेट्रोल में टॉप वेरिएंट जिसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाता है वो 12.89 lakh। इनमें भी पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ टॉप वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया जाता है। वहीं नेक्सॉन पेट्रोल इंजन के साथ माइलेज 17 km/l और डीजल इंजन के साथ 21.5 km/l क्लेम किया गया है।
जबकि सोनेट में पेट्रोल इंजन के साथ 18 kmpl और डीजल इंजन के साथ 24 kmpl माइलेज क्लीन किया गया है। माइलेज और प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए सोनेट बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 6, अकॉर्डिंग टू कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, आसान भाषा में कहें तो अच्छा फील करने के लिए क्या क्या सुविधा गाड़ी में मिल जाता है। तो सबसे पहले उन फीचर्स की बात करते हैं जो नेक्सॉन में नहीं मिलता है और सोनेट में मिलता है। USB चार्जर, सेंट्रल कंट्रोल आर्मरेस्ट, जो सोनेट में मिलता है और नेक्सॉन में नहीं मिलता है। बाकी 3 ड्राइविंग मोड, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स, AC हीटर, पावर डोर, फोल्डिंग रेयर सीट, डुअल ट्रिप मीटर, टेकोमीटर, लो फ्यूल वार्निंग, एडजस्टेबल हेडलाइट, ये सारे फीचर्स दोनों ही गाड़ी में अवेलेबल हैं। नंबर 7, अकॉर्डिंग टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सर, अगर आप इतना पैसा देकर गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जिस गाड़ी में बैठोगे वो कितना सुरक्षित गाड़ी महसूस करा सकती है आपको। चलिए अब उन सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं जो कि दोनों गाड़ी में मिलते हैं। उससे पहले नेक्सॉन में हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं है। बाकी दोनों गाड़ियों की सेफ्टी फीचर्स सेम ही हैं, लाइक एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर एंड चाइल्ड सेफ्टी लॉक। यानी आप ही नहीं, आपके बच्चे भी इस तरह के गाड़ी में बैठेंगे, फुली सेफ्टी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो इतने सारे कंपैरिजन के बाद रिजल्ट ये निकल के आया है, अकॉर्डिंग टू मी सोनेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मिडिल क्लास लाइक यू एंड मी अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इन कंपैरिजन के बाद आपको सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ी के फीचर्स पसंद आए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ब्रेक के बाद ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें कर्मा मोटर्स को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।